कलुआ कभी खोपड़ी तोड़वाता नहीं, खोपड़ी तोड़ता है। और कलुआ की जो खोपड़ी तोड़ाई की स्टाइल है ना, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। फिर बोलोगी आई लाइक दैट। ये क्या है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अबे यार तू क्या हमें रोकेगा साले, थोड़े दिन बाद तेरा बाप भी हमें सलाम ठोकेगा। अच्छा हमको सिखा रिया है? अभी मदद है भाई, अभी मदद है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे तू जा रही? अरे अरे कलुए बात सुन ठीक है, खुशी नाम है मेरा, तेरे जैसों का सिर फोड़ना ना काम है मेरा। चुप, टट्टी है। Hey y'all, come look at this. Boom headshot! Boom headshot! ये बाबूराव का स्टाइल है। 2000 years later. गाइस कलुआ का लुक देखो भाई, क्या ही खतरनाक पहन रखा है ये चिकिया भाई, क्यों इनवाइट कर रहा है। गाइस कलुआ ने पैंट और इसके बाल देखो भाई, आज जलवे निकलेंगे, ब्लू ब्लू लाइट बालों से निकल रही है। अरे चिकिया भाई तो इनवाइट पे इनवाइट किए जा रहे हैं। अरे हेलो हेलो। अरे भाई क्या यार भाई, आजकल तुमको इतना इनवाइट कर रहा हूँ भाई, आते नहीं यार भाई, तुम क्या भूल गए क्या भाई कैसे? अरे नहीं सर जी ऐसी कोई बात नहीं, इस समय थोड़ा बिजी चल रहा हूँ ना, और थोड़ा तबीयत भी खराब चल रही है इस समय, इसलिए नहीं आ पाता। क्या हुआ, कोई काम था क्या? नहीं नहीं यार, वो दो बंदे थे अपने मतलब दोस्त, एक मतलब फ्रेंड है खुशी नाम की, तो बॉर्डर पर मुझे मिलना अभी बैठे से मिलना, मिलवा दो मिलो, दो दिन से पीछे पड़े मेरे अभी। कोई बात नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाता ना इस समय, ना गेम खेलता हूँ ना कुछ करता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन आया और ऑफलाइन चला गया। और कलुआ को तो आप देख ही रहे हो, कलुआ साला नरक करता रहता है हमेशा, कभी किसी के साथ पंगे लेता, कभी किसी के साथ पंगे लेता, तो कुछ हो ही नहीं पाता। ठीक है बुला लो, मिल लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर मुझे ऑफलाइन जाना है। एहे, रहा नहीं जाता। हाँ रुको रुको रुको, मिलवा रहा है, एक मिनट रुको, बस वो आएगी आपसे मिलेगी। ठीक है बुलाता हूँ, एक बंदी एक लड़का, रुको। ठीक ठीक बुला लो। आई नहीं, आ गया है तू। अबे यार गोल्डन, अरे ओ भाई गोल्डन, ये कौन है? वी बेटा से मिलने की बात कर रहे हो, दो दिन से मेरे पीछे पड़े थे, देखो वी बेटा से मिलो, अभी मिलो। अबे यार इस बॉट को, ये वी बैच वाले, इसको नहीं बोला था मैंने, कोई प्रो बंदा चाहिए, साला ये बॉट को क्या दिखा रहा है, गजब बेइज्जती है। ये क्या करेगा वी बैच लेके, वी बैच लग रहा है इतना बड़ा नहीं मेरे पहले हो रही है क्या? अरे भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या, पहले तो वी बैच वाले यूट्यूबर से मिलना चाहते हो, अब मिल गए तो एटीट्यूड दिखा रहे हो कुछ भी। अरे का है क्या एटीट्यूड, इसके कपड़े इसके बाल तो देखो यार कैसा है, ये चप्पल पहन के खड़ा है इतना बड़ा नूब। चुप चुप। अरे यार तुम्हें नूब दिख रहा हूँ, ये बताओ तुम लोग मतलब पता नहीं क्या तुम्हारे माइंड में डिस्टर्बेंस रहता है, कि पहले वी बैच से मिलवा दो, जब मिल जाओ तो अपना एटीट्यूड ईगो दिखा दो, ये क्या चीज होती है? टट्टी है। अरे काहे का वी बैच, कैसा वी बैच, ये बॉट कैसे वी बैच ले लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। अच्छा समझ गया, तुम्हें वी बैच देखकर बॉट लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, वी बैच नहीं, तुम्हें कलुआ खड़ा है यहाँ पे इसलिए मैं बॉट दिख रहा हूँ। अरे कलुआ की शक्तियों को तुम नहीं पहचानती, ना कलुआ को जानती हो, कलुआ जब पिलाई करता है ना तो अच्छे अच्छे बोलते नहीं है, अब तुम कलुआ को नहीं पहचानते तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बाद में पछताओगे। मैं नहीं बताऊंगा। अरे अपने जैसे कलुओं को से ये सब्सक्राइब करा लेते हैं, ऐसे वी बैच ले लेते हैं, इतने बड़े बॉट यार। अरे मैडम जी तुम तो अब वी बैच के पीछे पड़ गए, चलो छोड़ो इस वी बैच को हटा दो, मैं सिर्फ कलुआ हूँ, कलुआ को देखो, और कलुआ की औकात जितनी है ना उतनी किसी की भी नहीं है इस फ्री फायर गेम के अंदर। शाबाश बेटा, ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अबे कलुआ की पावर पता है, कलुआ की पावर एक मिनट खत्म में खत्म हो जाती है तेरी पावर, साले हमारे गली के लौंडे तुझसे अच्छा खेल लेते हैं, छह से सात साल के बच्चे हैं। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा।
अरे भाई गली की लौंडों से कंपेयर कर रहे हो मेरे कलुआ की, इतनी बड़ी गलती मत करो वरना बाद में तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें बचा भी कोई नहीं पाएगा कलुआ के हाथों से। अरे कलुए तू चुप कर, क्यों बी बैच लेके इतना कूद रहा है, मैं तेरे जैसे बी बैच वालों को ऐसे ही नचा दूं अपने साथ। पहली फुर्सत में निकल। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, मेरे जैसे बी बैच वालों को नचा सकते हो लेकिन कलुआ को नहीं नचा सकती, कलुआ तुम जैसे लोगों को नचाता है। और तुम लोग बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, पहले मिलना चाहते हो फिर ये, ठीक है कलुआ को नूब बॉट तुम्हें लग रहा है, आ जाओ 1v2 कस्टम कर लो, देख लेते किसमें कौन दम है, कौन प्रो है, कौन नूब है। शाबाश। क्यों खोपड़ी तोड़वानी है अपनी बीवेच वाले, क्यों? अरे मैडम जी सुनो सुनो सुनो, कलुआ कभी खोपड़ी तोड़वाता नहीं, खोपड़ी तोड़ता है। और कलुआ की जो खोपड़ी तोड़ाई की स्टाइल है ना, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी, फिर बोलोगी आई लाइक दैट। अबे यार तेरे जैसा बहुत फेकू आते हैं, सबको पेल देते हैं हम लोग, 10 में 10 को पेलते हैं हम सारे, तू क्या करेगा, वो 1v2 बोल रहा है। अबे तू एक राउंड जीत पाएगा ये तो बता दे, एक राउंड क्या जीत पाएगा तू? भाई चलो ठीक है, एक राउंड नहीं जीत पाए, कलुआ की बात छोड़ देते, एक राउंड भी नहीं जीत पाएगा, तुम लोग 7-0 से मुझे हरा दोगे। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, और चिंता मत, कस्टम मैं बना दूंगा, तुम्हारा कस्टम भी वेस्ट नहीं होगा और मजे भी तुम्हें आ जाएंगे, 7-0 से आके मार दो, आ जाओ। चलो 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 सुनो तुम्हें, अरे कलुए नाली के कीड़े क्यों मरना है हमारे हाथों से, तू चला या जाना से चुप। अरे मैडम जी तुम्हें अपनी बातों पे इतना घमंड है, तुम्हें लगता है कि कलुआ को मरना पड़ेगा? अरे चिंता मत कर, तो आके मार दो ना, इतना घमंड है तो दिखा दो अपनी पावर। हरामी हो बस, थकल नहीं दिखा पाएगा तू अपनी, ज्यादा नहीं बोल। अरे भाई मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, शकल दिखाएगा कलुआ, तुम्हें दोबारा दिखाएगा, पक्का बता रहा हूँ, तुम अपनी शकल दिखाने के लायक नहीं बचोगे। अबे यार तू क्या हमें रोकेगा साले, थोड़े दिन बाद तेरा बाप भी हमें सलाम ठोकेगा। अच्छा। अरे भाई मेरे बाप के ऊपर मत जाओ, मेरे कलुआ से ही पंगा ले लो, सलाम कौन ठोकेगा ये तो हम बाद में देख लेंगे, और तो 1v2 कस्टम में अभी पता चल जाएगा कौन सलाम ठोकेगा, कौन झुकने टेक के माफी मांगेगा, सब पता चलेगा, आओ तो एक बार। अरे अरे कलुए बात सुन ठीक है, खुशी नाम है मेरा, तेरे जैसों का सिर फोड़ना ना काम है मेरा, कलुआ पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ पे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे अरे मैडम जी कहीं से भी आयो, तुम तो कस्टम के लिए रेडी नहीं हो रहे, तो क्या मतलब? अरे चल हट नूबड़े, तू पता क्या कर, चल तू जा कलुए बना, कस्टम बना तू जा। हाँ आ जाओ मैं बना रहा हूँ, आ जाओ बहुत प्रो बनती है तुम के अंदर। A few moments later. चलो दोनों नूबड़े तो आ गए हैं, चिकिया भाई भी पता नहीं कहाँ कहाँ से हेटर उठा के ले आते हैं, ये लोग क्या हग रहे हैं, क्या बवासीर मचा रहे हैं कमेंट में। ऑफलाइन भाग गया नूब, एक गोली में, वाह बहुत खुशी, ये मैडम तो बहुत प्रो बन रही, अभी इसकी सारी खुशियां मैं छीन लूंगा, किसी को खुशी देने लायक नहीं बचेगी। चलो स्टार्ट करते हैं वरना ये लोग बवासीर फैलाते ही रहेंगे, ये मतलब क्या क्या चीज होता रहता है गाइस आजकल, बंदे मतलब ऐसे ऐसे हेट करते मुझे भी नहीं समझ में आता, अभी बैच से मिलना है फिर उसके बाद हग भी देना है। चलो इन्हें हगाते हैं पहले अपनी स्टाइल में, मामा से वो लड़की बोल रही थी ना कि ऑफलाइन भाग गया होगा, अभी ऑफलाइन वाला ही मजा लेंगे। चिकिया भाई भी देख रहे हैं, उन्हें भी लगेगा कि मैं ऑफलाइन चला गया, क्योंकि फार्मस लेकर बॉट की तरह मैं चल रहा हूँ। देखो अब भी आएगा मजा, अब प्रो बनती दिखा रहे हैं ना, पहले इनसे मजे लेते हैं फिर उसके बाद इन्हें सबक तो सिखाएंगे। आजा भाई इधर क्या है, हाँ लौंडी आ गई, मुंबड़ी, इन सबको पक्का गाइस लगेगा कि मैं ऑफलाइन चला गया। नो क्या फायरिंग चल रही है, मैंने तो चिपका दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी चिकिया भाई देखेंगे, और नहीं ये तो ऑफलाइन चला गया था, ऑनलाइन के सडनली आ गया, और इन लोगों भी सदमा लगेगा गाइस, इनको लगेगा कि भाई ये तो अभी नूब था, इतना प्रो कैसे बन गया, इतनी फास्ट बुलवाल ये वो। इधर से कोई ये लोग किधर से, हाँ इधर से आ रहे हैं, वाह कलुआ लगता है तू भाई 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 भाई, उस लड़की ने भी हेलमेट खोल दिया, लेकिन भाई क्या हेड दिया, क्या हेड था, तो मेसुरी परफॉर्मेंस दे दिया कलुआ ने यहाँ पे। रुको सी,
पीछे से पेल देगा। इन्हें पता चल गया ना कि मैं प्रो हूं या नूब, इसीलिए गाइस देख रहे हो हेड खोपड़ा चटनी बना देंगे इसके खोपड़े के। अरे भाई कोरोना जला लिया लास्ट टाइम पे, देख रहे हो कितने प्रो हैं यहाँ पे, रैंक पुशिंग चल रही है इनकी। निकल पहली फुर्सत में निकल, वन टैप खा के निकल, कोई जरूरत नहीं रिमोट देख ले। रुको गाइस अभी तो इन्हें सिर्फ जलवा दिखा एमपी का यानी एसएमजी का, अभी शॉटगन का जलवा नहीं दिखा, और जब शॉटगन का दिखेगा तोबा तोबा ये लोग बोलेंगे कलुआ भाई ये क्या कर दिया तुमने, हमारा तो खोपड़ा चार कर दिया और झोपड़ा पार कर दिया। ये क्या है? कुछ भी गाइस, कलुआ के पास रैम इतने होते हैं कि कलुआ से कभी भी बुलवा लो, कलुआ कभी उन सब चीजों पीछे नहीं हटता। अच्छा लौंडिया को पेलते हैं, लौंडिया न्यू बॉट बहुत पता है। अरे भाई अरे रे 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 वन टैप चला रही भाई, मुझे तो लग रहा है ये लौंडिया तो सबसे प्रो है। नहीं पहले मार। अरे रे 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 नो गॉड प्लीज नो नो, ये आ गया और इसे भी हेडशॉट पड़ गया। ये लड़की कहाँ छुपी, यहीं पे है ये। आई बच गया ले, बस हवा निकल गई। रिवाइव करने आ रहे भाई साहब, नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ ज्यादा चमन चौधरी नहीं बन रहे, क्या मूवमेंट दिखा रहे लौंडा ले। फिर से गाइस एसएमजी का वन टैप पड़ गया भाई, क्या बात थी, क्या बात है गाइस, दो बार वन टैप है। ये लॉन्ग रेंज में बहुत भाग रहा है ना, शॉर्ट गन कैसे पढ़ नहीं रहा है, शॉट पड़ा था लेकिन पूरा नहीं पड़ा क्योंकि रेंज में रहता है ये। अभी मजा आ रहा है भाई कलवा को, तो जब ऐसे कोई बोलता है फिर उसे मारने में कलवा को इतना आनंद आता है गाइस, इतना कि मैं आप सभी से क्या ही बताऊं। और खासकर उस लौंडिया को मारने में मजा आता है, नूबड़ी कलवा को गॉड बोल रही है, मतलब कि जैसे इनके आगे पीछे नाचते हैं। अब भी दिखाते कौन नाचता किसे कौन नचाता है, गन लेकर आ गया, बंटे चलाना भूल गई गाइस। अरे रे 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 रिमोट से मारेंगे, अरे रे आई ही नहीं लड़की, लौंडा आ गया क्या, अरे रे पीछे है पीछे है। यार कलुआ गलती कर दिया, अबे सारे पैसे भी चले गए, सारी गन भी चली गई, मैं गरीब हूँ। कलुआ जब मरता ये लोग इमोट दिखाते ना तो बहुत इरिटेटिंग लगता है गाइस। भाई कलुआ अल्ट्रा लेजेंड, ड्रेसिंग सेंस के मामले में तो अल्ट्रा लेजेंड है भाई, इसका कोई कंपेयर नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कि कलवा प्रो है भाई। कलवा को लोग नूब समझते हैं लेकिन कलवा जो जो चीजें कर सकता है ना, शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। लौंडिया भाग जाती है बैकअप में, अब पहले क्या था रश कर रही थी, अभी नहीं कर रही, जान गई है ना मेरे दादा रे, पीक ले रहे हैं लोग, अरे खत्म कर दिया। अब तो मुश्किल ही लग रहा है बचना गाइस, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई फिर से मोड दिखा रहा यार, निकल शाबाश बेटा, बहुत तेज चर्बी चढ़ गई है ना तेरी।
पीछे से खा पी बहुत प्रो बन गया ये लौंडा, बहुत प्रो बन रहा है वहाँ पे, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। मुंह बड़े तेरी शक्तियाँ तो मैं निकालता हूँ। काहे चौड़ी आ रहे हो दादा, बहुत ज्यादा तुमने हमारे जैसे वी बैच बहुत देखा है ना। बहुत इमोट दिखाने का शौक है। बहुत इमोट दिखा रहा था भाई, ये दिखा दिया इमोट। लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, तेरे जैसे वी बैच वाले लौंडे हमारे आगे पीछे घूमते हैं और वो लौंडा नालियों में सड़ते हैं। कलुआ मेरा नालियों में, अरे निब्बो तुम्हें पता नहीं है कि कलुआ की औकात कहाँ पे है। कलुआ जहाँ पे है ना वहाँ तुम कभी पहुँच नहीं सकते। तोबा तोबा, इन लोगों को क्या मैं समझाऊँ, ये लोग तो एक नंबर के मनहूस हैं। ये लॉन्ग रेंज की गन लेकर आता है और लॉन्ग रेंज में ही रहता है। वो मुंगड़ी लौंडिया जो है M10 लेकर घुस रही है। निकल, रिवाइव नहीं होने देंगे। निकल, फर्स्ट ब्लड, पहली फुर्सत में निकल, कट ले अपना भाई। गुलवाल थोड़ा इतने लग रहा है मैं वहां पे हूँ। कुछ भी गर्ल, चलो आप सभी चैलेंज की बात बहुत करते रहे तो इस राउंड में चैलेंज लेते हैं। इस राउंड में दोनों को मैं वन टैब और दोनों को शॉर्ट गन से हेडशॉट मारूंगा, ठीक है। अगर दोनों को मार दे तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो पे 1,00,000 लाइक कंप्लीट करवाने किसी ना किसी तरीके से। चाहे आप वीडियो को शेयर करो, वीडियो को आप लाइक करो, अपने दोस्तों से लाइक करो। अरे अरे, शॉटगन से मुझे मारना है। भाई भाई भाई, आम लेकर आ गई लौंडिया। शॉट देंगे इसे। अरे अरे, कहीं मेरा मिस ना हो जाए मिशन। अरे नहीं, ओ भाई ये क्या, इतनी रेंज में था, डबल डबल एक ही बार उसे ही से शॉट पड़ा गाइस। निकल भाई, डबल डबल ऑन चला रहा लड़की बच्चे गाइस। बस 1,00,000 लाइक कंप्लीट टारगेट करने का बस थोड़ा सा बचा है, तो उसे एक इमोट ड्रॉप देंगे। मैं इमोट शॉट के चक्कर में गाइस रहा, मैं अपना चैलेंज कंप्लीट करता हूँ वरना मर जाऊंगा। लौंडिया मार के चली जाएगी। भाई से हेडशॉट ही नहीं पड़ रही। ये कहाँ गई, कहाँ गई ना भाई, देखो तो क्या बवासीर चल रही है आपके पास ना भाई। लॉन्च भाई, क्या लड़के चुपके से बैठे बैठे आ रही है मारने के लिए हमसे। और गाइस यार हेडशॉट पड़ा लेकिन छोटा सा पड़ा, मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, वो मिस हुआ तो इस बार मिस नहीं होगा, इस बार तो दोनों को टपा टप देकर ही रहेंगे। और 1,00,000 लाइक आपको बस कंप्लीट करवाना है। यार आप लोग आजकल वीडियो को शेयर नहीं करते, गाइस शेयर मारो करो। और गाइस अगर आप सभी को मेरे से डायमंड या फिर बहुत सारे गिफ्ट चाहिए तो आप सभी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहां पे टूर्नामेंट करवाता हूं तो सारी अनाउंसमेंट वहीं पे होती है। तो अगर आपको चाहिए बहुत सारे गिफ्ट, जाओ फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, किल टू हेड है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉलो कर लो यार। आप लोग फॉलो ही नहीं करते तो आपको कुछ मिलता ही नहीं। बहुत सारे बंदों को मिलता है 1,000 डायमंड, 2,000 डायमंड। आपको खेलना है टूर्नामेंट, मजे लेने मेरे साथ, तो आ जाओ भाई। कहाँ जाए, इन लोगों को लगा कि मैं वहीं पे हूँ। क्या ही ये लोग बॉट है। ये बंदा तो लिटरली वहीं पे गया। अकेले है, अकेले है, मार लो भाई। निकल, अरे रे भाई अकेले में, मतलब मैं समझ लिया। अरे रे रे रे, दीदी जी तो अत्यंत प्रो भाई। हल्के में ले लिया था गाइस, तोबा तोबा, मुझे ही मार के चली गई मेरी कलुआ की इज्जत। ये तो सिर्फ गुलवाल तोड़ने में लगा है,
ले। बहुत तेज हो रहे हो हैं। तोड़ ले गुलवाल, तोड़ ले। मतलब देख लो, डेजर्ट खरीदेंगे, शॉटगन खरीदेंगे, और खरीदेंगे, लेकिन हेलमेट के लिए पैसे नहीं है। भाई लौंडिया कितनी फास्ट आई है रश करने। अरे रे 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 रे, मरी क्यों नहीं, मरी सो गया, कछुआ सो गया। ये सोता बहुत है, लड़कियों को देखते ही सो जाता है, पता नहीं क्यों उसकी सोने की आदत है। तुमने तो यही पे छुपी है गुलवाल के पास। अरे रे रे, फटाफट 1,00,000 लाइक करो, वीडियो को शेयर मारो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। यार आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते गाइस, क्यों नहीं करते ये बताओ। जल्दी बोलो, मैं ज्यादा बोलता नहीं इसलिए, या फिर आपको करने का मन नहीं होता। कर दिया करो यार, आपका कुछ थोड़ी ना जाता है, ये बताओ। सब्सक्राइब करोगे तो मजे ही पाओगे। कलुआ के साथ मजे लेना है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना, ठीक है गाइज। चलो इन दोनों की धुलाई और साबुन पानी के साथ सफाई करना स्टार्ट करते हैं। भाई भाई भाई, करा गया। बूम हेडशॉट, बूम हेडशॉट। वो ये क्या हेड था, क्या हेड था, पैक करता वरना भाई से ही मोट। अब मैं दिखाऊंगा, डिंग 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 डिंग, और इसके पिछवाड़े पे मारूंगा। गाइस आज जाकर मेरा कलवा का बदला पूरा हुआ, खतरनाक फ्रॉड के साथ, खतरनाक ही मोट। तो गुलवाल तोड़ने में मैं इधर से निकल जाता हूँ, मैं एमपी चला रहा है। गाइस मैं इमोट फ्रॉड ट्राई कर रहा हूँ ना, तो इसलिए लगता है कलवा मरेगा। अरे भाई ये कैसे मर गया, कोई बात नहीं, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया गाइस। जैसे भी मरा, मर तो गया, बस फाइनली कलवा का रिवेंज कंप्लीट हुआ। और भाई सुअर भर दिया, जो तो सुअर भर दिया भाई। अब पता चलेगा ना कलवा कौन है और ये लोग कौन है। बहुत ही अल्ट्रा प्रो बन रहे थे गाइस। कलवा का ओपी वाला लुक भाई, क्या खतरनाक ड्रैगन के साथ आया है। ये कौन सा ड्रैगन है? A few moments later. अरे कलवा भाई क्या ही प्रो बंदे हो भाई, सॉरी भाई। अरे हम तो मजाक कर रहे थे यार तुम्हारे साथ। अरे एक्चुअली हमारे खेलना था तुम लोगों के साथ भाई, सच कसम से यार। वी वेज वाले भाई प्रो बंदे भाई तुम। मैं पागल हो गया हूँ या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? कसम से भाई, कसम से माफ कर दो भाई, हमसे गलती हो गई भाई। अरे हम तो भाई तुम्हारे दोस्त है यार, वो फ्रेंड को चलो भाई, फ्रेंड को चलो हम। आराम से ज्यादा मत बोलो, गले में दर्द हो जाएगा। रुको जरा, सबर करो भाई, तुम तो बहुत ही प्रो थे, फिर क्या हुआ, नूड कैसे बन गए? आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई हम मजाक कर रहे थे भाई, हम मजाक कर रहे थे। पहली फुर्सत में निकल। अरे खुशी मैडम तुम तो मजाक कर रही थी। वही तो यार, मुझे पता है। चिकिया भाई आपको पता है ये लोग मजाक कर रहे थे? नहीं। अरे हमें पता है, लगता मुझे एक इनको लगता मुझे काला एडम है भाई, इसके पास कुछ नहीं रहेगा, ब्राउन्स का बंदा रहेगा। पर भाई इनका काला एडम का पावर भी जानना चाहिए ना बंदे से थोड़ा। अरे देखो देखो देखो, तुम लोगों ने गलती कर दी ना, स्टार्टिंग बोला था ना कि गलती मत करो, क्योंकि जब कलुआ खोपड़ा खोलता है ना तो तुम लोगों का झोपड़ा नहीं बचेगा बचाने के लिए। शाबाश बेटा, तो इसीलिए बोला था कि रहने दो, लेकिन तुम लोगों को चुल्ल लगी थी। अरे नहीं तू तो नूबड़ा, तेरे जैसे गली में पड़े, तेरे जैसे आगे पीछे घूमते, बहुत एटीट्यूड दिखाते। अब सारा एटीट्यूड पानी में चला गया ना कलुआ के सामने। तोबा तोबा, यही बात बोली थी मैंने, मैंने बोली थी कि रहने दो, लेकिन मनहूसियत फैला दी तुम लोगों ने। देखो ना भाई, ने बस बोला अभी बेहतर से मिलो भाई, जो भी मन में आ रहा है सब बके जा रहा है ग्रुप में आके भाई, भाई 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 ये माफ कर दो। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल माफ कर देंगे, दिल से सॉरी, दिल से। अरे रिक्वेस्ट ले भाई प्लीज भाई, दिल से सॉरी यार, ये कितनी ऑसम है यार। ओके बिल्कुल रिक्वेस्ट लेंगे। अरे रुको रुको रुको, तुम लोगों ने कपड़े के बारे में बोला, कलवा ने चप्पल पहन रखा, कलवा ने ये पहन रखा, कलवा ने कुछ और पहन रखा, तुम लोगों ने देखा नहीं था ध्यान से, लगता तुम्हारी आंखें खराब है। अब देखो आंखें मींच के फिर दिख जाएंगी। बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। ओ भाई ये लो क्रिमिनल भाई साहब। अरे भाई प्लीज प्लीज, सुनो, मैं एक चीज बोलता हूँ, सुन लो मेरी बात, माफ कर दो प्लीज, दिल से सॉरी यार। बिल्कुल माफ कर दिया मैडम जी, खुशी मैडम जी मैंने माफ कर दिया, मैं दुखी नहीं हूँ, तुम खुश मैं खुश सब खुश। अभी मेरी एक बात सुनो, तुम लोग कलुआ के फैन हो तो एक बात सुनो, मैं खटकता उनको हूँ जहाँ मैं झुकता नहीं, और जिन्हें अच्छा लगता हूँ वो कभी झुकने नहीं देते। शाबाश, लो एक बार मेरे साथ नाच लो, पहले सोचा निकल के।